तो आई मीन वैसे क्या कहूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन दिस इज एफ ग्रेट सिनेमा। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। जो WWE का आज हुआ स्मैकडाउन का शो था वो हो चुका है, एंड सैमी ज़ेन आए, उन्होंने स्पीयर लगाया रोमन रेंज को, चैलेंज किया रोमन को, लेकिन रोमन ने बाद में आके एक तगड़ी वाली वार्निंग दी। और क्या कंडीशन उन्होंने रखी है कि एलिमिनेशन चेंबर में क्यों ये मैच होने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आई मीन सीरियसली मेन इवेंट वाला सीन इतना कमाल का था ना कि इसके लेके मुझे यू नो सेपरेट वीडियो आनी पड़ रही है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बाय द वे छोटी सी नोटिफिकेशन, जिन लोगों ने अभी तक रोहन अनफिल्टर्ड की वीडियो चेकआउट नहीं की है, इस वीडियो के बाद जाओ चेकआउट करो। क्या कहते हैं, तुम्हें हंसी बहुत तगड़ी वाली आने वाली है, और थोड़ी ईयरबड वगैरह लगा लेना। चलो शुरू करते हैं वीडियो को और स्मैकडाउन के मेन इवेंट के बारे में बात करते हैं। अब भाई रोमन रेंज आते से पहले कुछ सेगमेंट हुए थे बैक स्टेज के ऊपर, जहां पर रोमन ये कहते हैं कि भाई जे उसो क्यों नहीं है यहां पे, बिकॉज ठीक है वॉकआउट कर गया वो ठीक था, लेकिन उसने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश नहीं की हमें एक बार भी। वो थोड़ा ईगो वाला नहीं लग रहा है इंसान की, भाई वो अपने घमंड में अलग ही चौड़ में चल रहा है। चलो ठीक है, रोमन यहाँ पर कहते हैं कि भाई वो आज रिंग में जा रहे हैं और वो एड्रेस करेंगे ब्लड लाइन की पूरी स्टेक्स को। अब ब्लड लाइन या फिर कहले जब रोमन एंट्री लेते हैं अकेले पॉल हेमन के साथ में, हम लोग क्या देखते हैं कि क्राउड सैमी ज़ेन के मैसिव चैंट करता है। आई मीन ऐसे मैसिव चैंट थे कि आपने उम्मीद नहीं लगाई होगी। रोमन आते हैं रिंग में, सैमी सैमी के चैंट्स होते हैं, रोमन फिर अपना वही डायलॉग मारते हैं एक्नॉलेज मी वाला। वो कहते हैं यार तुम लोग मुझे पास्ट के बारे में बात करने के लिए क्यों कहते हो? देखो मैं बात किसके बारे में करने वाला हूँ, मैं फ्यूचर के बारे में बात करने वाला हूँ। बात करने वाला था नंबर वन कंटेंडर, यही रॉयल रंबल का विनर, यानी कि कोडी रोड्स के बारे में। लेकिन अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं पास्ट के बारे में बात करूं, ठीक है मैं सैमी ज़ेन के बारे में बात करता हूँ। सैमी ज़ेन वो इंसान है, सैमी ज़ेन कह सकते हैं कैसे इंसान है, जो कि सिर्फ ब्लड लाइन से कुछ ना कुछ लेना चाह रहा था। देखो होता है कि अगर तुम किसी होटल या रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहां का जो शेफ होता है, जो किचन वाले होते हैं, जो होटल वाला खुद होता है या फिर जो भी रेस्टोरेंट वाला होता है, उन सबकी तीनों की एक ही नजर रहती है कि सामने वाला कस्टमर हमें क्या देने वाला है। तो ऐसे कुछ ज़ेन में था। अब तुम लोगों को मैं कहानी की शुरुआत में ले जाता हूं। तुम्हें याद होगा वॉर गेम्स के अंदर मैंने कहा था कि मैंने सैमी ज़ेन की आंखों में वो सब देख ले जो कि मुझे देखना चाहिए था। पता है मैंने उस टाइम क्या देखा था? मैंने उसकी आंखों में ग्रीड देखी थी, उसके अंदर भूख देखी थी कुछ ज्यादा पॉपुलर होने की, और ये वो रीजन है उसने मेरी ब्लड लाइन का यूज किया, उसने मुझे आइलैंड ऑफ रेलेवेंसी का यूज किया। मैंने उसे एक अपॉर्चुनिटी दी थी हमारे साथ में आने के लिए, लेकिन उसने उस चीज को भी ठुकरा दिया। और सैमी ज़ेन तूने बहुत गलत किया, क्योंकि जो जे उसे उसके बारे में जैसे ही बात करने चलते हैं, सडनली पीछे से एक बंदा आता अपने यू नो पूरी जैकेट वगैरह हुडी वगैरह पहन के, और वो अटैक करना शुरू कर देता है रोमन रेंज के ऊपर। टू बी ऑनेस्ट एक सेकंड के लिए मुझे लगा है कोडी रोड से, लेकिन फिर पता लगा अरे तो सैमी ज़ेन थे। और सैमी ज़ेन जो मारना शुरू करते रोमन को अलग लेवल, पॉल हेमन तुरंत रिंग से खिसक लेते। इस टाइम जिमी और सोलो नहीं थे, और होता क्या जो हमारे रोमन रेंज है वो किसी तरीके से कमबैक करते हैं, पॉल हेमन से एक स्टील चेयर लाने के लिए कहते हैं, लेकिन सैमी ज़ेन एक स्पीयर लगा देते रोमन रेंज को। वो थोड़ा अलग ही लेवल की चीज थी, और क्राउड भाई एक्सप्लोड हो चुका था इस टाइम तक। आई मीन जो रिएक्शन थे, जो सारी चीजें थी इस टाइम तक, वो एकदम अलग लेवल की थी। अब होता है कि इसके बाद जो सैमी ज़ेन है वो जैसे ही मारने का ट्राई करने चलते हैं रोमन रेंज को, वो भी स्टील चेयर के साथ में, रोमन ऐसे 9-11 हो लेते हैं। सैमी ज़ेन माइक लेते हैं, चिल्लाते हैं, कहते हैं देख रोमन मुझे शुरुआत में तेरे से कुछ भी नहीं चाहिए था, तो कह रहे ना कि सैमी के भूखा था, ग्रीडी थी, ये वो, मुझे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अब मुझे तुझसे कुछ चाहिए, और वो है वो अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप, और वो चीज मैं लेके रहूंगा मॉन्ट्रियल के अंदर एलिमिनेशन चेंबर में। लेकिन सडनली पीछे से जिमी उसो और सोलो सिकोए का अटैक हो जाता है, सोलो सिकोए अपने समोवन स्पाइक भी देते हुए नजर आए। अब रोमन हंसते हैं वापस एक बार फिर से आते हैं रिंग के बीचों बीच में, और इसका धोता क्या है, हमारे स्टील चेयर वगैरह फंसा के सैमी ज़ेन को कॉर्नर में एक तरह का डाल दिया जाता है। और जैसे ही सोलो उनके ऊपर अपना उमाका वाला मूव देने चलते हैं, तुरंत यार रोमन उन्हें रोक लेते हैं। रोमन कहते हैं नहीं नहीं इसे मारेंगे थोड़ी, अब स्टील चेयर उनके गले से हटाते हैं। वो कहते हैं सैमी तो क्या चाह रहा है मुझसे, तू मेरी अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियनशिप चाह रहा है, ठीक है दिया तुझे मौका, एलिमिनेशन चेंबर मॉन्ट्रियल के अंदर तूने मेरी फैमिली तोड़ी ना, तूने जे उसे को मेरे राइट हैंड मैन को तूने ब्लड लाइन से उसे अलग किया है, तो तेरी कंडीशन ये रहने वाली कि एलिमिनेशन चेंबर में तुझे मौका मिलेगा मेरे खिलाफ, लेकिन तू अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड, जितने भी तेरे रिलेटिव है तू सबको वहां पर लेकर आए, क्योंकि मैं दिखाना चाहूंगा उन्हें किस तरीके से एक फैमिली के सामने मैं तुझे एम्बैरेस करने वाला हूं। एलिमिनेशन चेंबर के अंदर वो दोनों चैंपियनशिप लेके आते हैं, और वो कहते हैं कोई एक तरह का मजाक नहीं है, ये फैंटेसी नहीं है, ये रियलिटी है, मैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन हूं, और इस टाइटल के बारे में तू सोच रहा है तो इसके बारे में तू भूल जा। तो कुछ इस तरीके से स्मैकडाउन एंड हुआ है, और यस चैलेंज एक तरह का ऑफिशियल है, होने वाला है सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंज। अब इमेजिन स्मैकडाउन में अगर ये रिएक्शन आया तो एलिमिनेशन चेंबर में क्या गजब वाला रिएक्शन आने वाला है। जे उसो को लेकर भी बातचीत हो चुकी है, अब जे उसो को क्या होने वाला है आने वाले टाइम में तो बाद में पता लगेगा। लेकिन बाय द वे आज की वाली वीडियो बस यही तक थी, अगर ये वाली वीडियो पसंद आई है फटाफट से इस वाली वीडियो को नीचे लाइक करो, साथ ही में जो लोग चैनल के ऊपर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय।
टेक केयर।